अरुण जी मेरा जो अगला सवाल है वो भी थोड़ा उलझा हुआ सा है ये हकीकत है कि दिल्ली में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आए है वो चौदह फीसदी बड़ी है राष्ट्रीय औसत से एक प्रतिशत ज़्यादा हुई है बहुत अच्छा कमा रहे हैं दिल्ली वाले लेकिन पॉल्यूशन की वजह से इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ रही फिर कमा कहाँ से नहीं आई देखिए इंडस्ट्री जो नॉर्मल इंडस्ट्री है वो वैसे भी दिल्ली के अंदर कम है 85 परसेंट दिल्ली की इकोनॉमी जो है वो सर्विस इंडस्ट्री से चलती है जो ये पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो होती थी वो वैसे भी दिल्ली के बाहर भेज दी गई थी कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत तो आज ये वाली इंडस्ट्री वैसे भी दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती सर्विस इंडस्ट्री आ सकती है वो आ रही है काफ़ी बड़े पैमाने पे आ रही है और जब से हमारी सरकार आई है जो कि ईमानदार सरकार है जिसके अंदर रेड टेपिज्म नहीं है तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने खुद ही कहा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय तो तभी बढ़ेगी ना जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं दिल्ली के अंदर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों बढ़ रही हैं उसका एक बेसिक सबसे सिंपल आसान तरीका समझाने का है दो काम किए हैं हमने हमने एक आम आदमी के हाथ में पैसा दिया है कैसे पैसा दिया है उसकी बिजली मुफ्त कर दी उसका पानी मुफ्त कर दिया उसका बसों का किराया महिलाओं का मुफ्त कर दिया उसका शिक्षा मुफ्त कर दी बच्चों की उसका इलाज मुफ्त कर दिया पांच बड़ी चीज़ें अभी मैंने एक सर्वे कराया था कई वॉलेंटियर्स को भेज के कम से कम नहीं तो हर महीने पांच से दस हजार रुपए महीना हर परिवार का बचने लगा है अगर आपके हाथ में दस हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो आप फिर उससे सामान खरीदोगे बच्चों के लिए और सब्जी खरीदोगे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदोगे कपड़े खरीदोगे घर का सामान खरीदोगे इससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ती है और जब इकनॉमी में डिमांड बढ़ती है तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है दूसरा हमने आने के बाद दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज पहले सात हजार या आठ हजार होता था हमने आते ही पंद्रह हज़ार कर दिया डबल कर दिया मिनिमम वेज जब मजदूरों के हाथ में पैसा आएगा तो वो पैसा खर्चेगा मार्केट में जाके और जब पैसा खर्चेगा तो डिमांड क्रिएट होती है और उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है अभी तक पचहत्तर साल के अंदर सिस्टम यह था ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट ट्रिकल डाउन इंपैक्ट में होता था अमीरों को और अमीर बनाओ अरबपति को और पैसे दे दो उसके हाथ में वो फिर फैक्ट्री खोलेगा और वो फैक्ट्री खोलेगा उससे लोगों को जॉब मिलेगा अरे जब खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फैक्ट्री कहां से खुलेंगी पहले खरीदने के लिए डिमांड तो चाहिए इकोनॉमी के अंदर वो डिमांड हम लोगों ने क्रिएट की है दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है क्यों हमारी बिजली फ्री पानी फ्री बसों का किराया फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य फ्री तो ये दिल्ली केंद्र सरकार का डेटा है एवरेज पूरे देश में महंगाई दर 6 परसेंट है उत्तर प्रदेश में गुजरात में सेवन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट है दिल्ली के अंदर महंगाई दर तीन परसेंट है सबसे कम है देश के अंदर